आज हम बनाएंगे केवल एक चम्मच घी में बना हुआ बहुत ही हल्का फुल्का टेस्टी झटपट से बन जाने वाला नाश्ता बनाने के लिए दो गिलास यहाँ पानी के आप ले लें माप के लीजिएगा गिलास या बोल किसी भी चीज़ से उसमें आप चिल्ली फ्लेक्स हो तो वो मिला दीजिए नमक इसमें डाल दीजिए कटा हुआ धनिया आपको इसमें डाल देना है हल्के से तिल का भी मैंने यूज़ किया है जो सफेद वाले तिल होते हैं इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा आता है इस नाश्ते में इसीलिए ये चीज़ें यूज़ की है अच्छा सा उबाल आने देंगे पानी में जब बढ़िया सा उबाल आ जाए उसके बाद हमने यहाँ पर डालनी है इसमें सूजी अब हमने दो गिलास लिए थे ना पानी के तो एक गिलास माप के सूजी लेनी है यानी कि जितना पानी था उससे आधी सूजी होगी अब मीडियम फ्लेम पे इसे एक ही साइड को ऐसे घुमाते हुए पका लेंगे हम बढ़िया से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जो सूजी है एकदम से पानी सोख लेती है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है लेकिन आपको इसे चलाते जाना है ताकि इसमें कोई गांठे या कोई लम्ब्स बीच में ना आए इस चीज़ का ध्यान देना है अब मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है तो तब भी आप देख सकते हैं कि ये इतना जो है डो चिपका नहीं है तो मतलब लोहे की कढ़ाई में इजीली आप बना सकते हो क्योंकि हेल्दी चीज बननी है तो लोहे की कढ़ाई में बनी होगी तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी देखिए डो बन गया ना बढ़िया से अब यहाँ पे गैस को मैंने बंद किया अब इस स्टोव को हमने हल्का ठंडा होने देना है इसलिए इसे बोल में निकाल लिया है जब हल्का ठंडा हो मतलब इतना कि आप इसे आसानी से छू सके बिल्कुल ऐसा हो जाए तो आपने इसमें डाल देने हैं बॉयल किए हुए आलू जिन्हें मैंने कद्दूकस से घिस लिया है ये भी आपको एक बोल लेना है एक ही बोल हमने लिया था सूजी का एक ही बोल हमें कद्दूकस से घिसे हुए आलू का लेना है माप आप सही से सुनिएगा माप के चीज़ें डालेंगे तो जो नाश्ता है वो आसानी से बन जाएगा कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी अब बढ़िया से इसे मिला लेंगे मतलब इसे ऐसे हमने गूंथना है जैसे हम आटा लगाते हैं ना चपातिया बनाने के लिए बिल्कुल वैसे कुछ इसे मिला लेंगे जिससे कि जो आलू है वो भी मिक्स हो जाएगा सूजी में साथ ही साथ इसका एक डोसा नॉन स्टिकी डो इसका लग जाएगा बिल्कुल ऐसा कोई तेल कोई घी कुछ नहीं डालना जब आप एक दो मिनट के लिए इसे ऐसे चलाएंगे तो ये नॉन स्टिकी हो जाएगा अब कोई थाली प्लेट आप ले ले ऐसे इसे मैंने शेप देने के लिए यहाँ ऐसे फैला दूँगी आप चाहे तो इसका आप गोल गोल टिक्की बनाना चाहते हैं तो ऐसे हाथ से वैसे भी बना सकते हैं मैं कुछ अलग इसको डिज़ाइन दूँगी ताकि देखने में बढ़िया लगे तो मैंने यहाँ ऐसे प्लेट में इसको ऐसे लगा लिया है बढ़िया से इसको सेट किया ताकि जो पीस बने वो एक जैसे साइज के हो जब ये बढ़िया से सेट हो जाए उसके बाद हम इसके पीस काट लेंगे ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसके पीस काटें तो जो डो है बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए तब भी इसके जो पीस है वो इजीली कट पाएंगे तो देखिए ऐसे नाइफ़ की हेल्प से हम काट लेंगे यदि आपको लगे कि नाइफ़ इस डो में चिपकता है तो हल्का सा गैस पे गैस चला के ना हल्का सा सेक लीजिएगा चाकू को तो वो चिपकता नहीं है ऐसे ये आपके लिए एक बहुत ही काम की बात मैंने बताई है तो ये ऐसे डो में चिपकेगा नहीं अब बढ़िया से पीस बनाइए जिस भी साइज के आपने पीस बनाने हैं जिस भी डिज़ाइन के बनाने हैं बना सकते हैं तो ये देखिए कोई हमने घी तेल नहीं इसमें यूज़ किया है अभी तक लेकिन देख सकते हैं कि पीस कितने बढ़िया बने हैं अब आप इसे एज इट इज़ भी सेक सकते हो लेकिन इसे हल्का सा ज़्यादा बढ़िया गेटअप देने के लिए मैं इसे ऐसे बीच से ऐसे काट लूँगी ऐसे एकदम अलग जो है ये जो स्नैक है वो बनेगा बहुत ही गुड लुकिंग होगा खाने में ये बहुत टेस्टी होता है हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अभी हमने कोई घी तेल नहीं इसमें डाला आगे भी केवल एक दो चम्मच में ही हम इसे पकाएंगे तलेंगे नहीं लेकिन यदि आप तलना भी चाहते हैं इसे तो बस आप ऐसे पीस बना के तेल में तल भी सकते हैं यदि वैसा खाना चाहते हैं वैसे भी किया जा सकता है या ऐसे ही इसे ओवन में इसे बेक भी किया जा सकता है जो आपको सही लगे मैं तो लोहे के तवे पे हल्का सा घी डालूंगी यहाँ पे आधी चम्मच ही मैंने यूज़ की है इसमें जो है ये पांच छः जो पीस है वो मज़े से इसमें जो है सिक जाएंगे यानी कि दो चम्मच घी में आप सभी स्नैक को इसे बढ़िया से इसे सेक सकते हैं एकदम स्वादिष्ट बनेंगे अब आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है हल्का सा सेकेंगे एक साइड से उसके बाद अलट पलट के पाँच छः दफा अलट पलट के बढ़िया से पक जाने तक इसे सेकना है लेकिन हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा नहीं तो सामने से लगेगा ना कि सीख गए हैं लेकिन बीच से होंगे ये कच्चे वैसे तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो सूजी है वो भी हमने पहले से पकाई है आलू का यूज़ किया है ना वो भी बॉयल किए हैं तो कोई ज़्यादा ऐसा तो इसमें है नहीं कि ये कच्चा है तो बस दो तीन मिनट में बढ़िया से ये ऐसे सिक जाएंगे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा क्योंकि आधा ही चम्मच है लेकिन घी का यूज़ किया है ना जिसकी वजह से स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है तो देखिए मैंने एक दफ़ा तो इसे पलट लिया बस ऐसे ही दो तीन दफ़ा पलट पलट लूँगी जब तक कि ये अच्छे से सीखना जाए। अब यदि आपने इस स्नैक को किसी पार्टी के लिए बनाना है जन्मदिन के लिए बनाना है तो आप पहले से इसे बना सकते हैं ऐसे पीस बना लीजिए आप इसके अब अगले दिन आप ऐसे सेक सकते हैं या तल सकते हैं जैसा आपको सही लगे ये बहुत ही पसंद आएंगे यदि आप मेहमानों को भी इसे खिलाएंगे साथ ही साथ एक हेल्दी चीज़ होगी एक नई चीज़ होगी जो किसी ने पहले खाई नहीं होगी तो ये देखिए दो तीन दफ़ा अलट पलट लिए बढ़िया से सीख चुके हैं बिल्कुल इतना आपको इसे सेकना है एक बढ़िया से स्वाद के लिए इतना सेक लीजिएगा जिसकी वजह से स्वाद अच्छा आएगा इसका पर सब ये जो बैच है वो सीख गया है इसी वे से आप कितने भी जो ये नाश्ता है या जो ये स्नैक है वो बना सकते हैं इसी वे से अब जैसे मैंने तवे पे सेका है यदि आप चाहें तो ओवन में भी इसे दस मिनट के लिए इसे बेक कीजिएगा वैसे भी आप बना सकते हैं या आप चाहे तो तल भी सकते हैं इसे वैसे भी ये बढ़िया बनेंगे या आप इसे स्टीम भी दिलवा सकते हैं हल्की सी स्टीम दिलवा लीजिए बिल्कुल वैसे भी ये बढ़िया बनेगा जो आपको सही लगे वैसे कीजिए लेकिन बना के देखिएगा जब इस स्नैक को आप ऐसे पुदीने की चटनी के साथ खाएंगे ना तो मज़ा इसका दो गुना हो जाने वाला है तो आई होप कि वीडियो को आपने फुल इन्जॉय किया होगा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा चैनल पे है नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा अब मिलेंगे ऐसी ही एक नई हेल्दी टेस्टी डिश के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय माता दी